आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा, दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं भूटान। सुबह 11:15 भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंच जाएंगे मोदी, स्वागत की है जबरदस्त तैयारी। भूटान के राजा से मिलने के बाद वहां के प्रधानमंत्री से मिलेंगे मोदी, आपसे रिश्तों पर होगी चर्चा। मोदी के सम्मान में भूटान पीएम ने ताज ताशी होटल में रखी है दावत, दौरे पर विदेश मंत्री भी साथ। अगले दिन भूटान की राष्ट्रीय असेंबली और भूटान की राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे मोदी, भारत हमेशा रहा है भूटान का मददगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोवा में बयान, देश के भविष्य के लिए कठोर फैसले लेने होंगे। गोवा में बीजेपी के कार्यक्रम में बोले मोदी, कहा जो भी फैसला लेंगे देश हित में लेंगे। अगर थोड़ा सा गोवा को लीडरशिप दें, सही दिशा दें और राष्ट्र हित के लिए ही काम करने के लिए प्रेरित करें, तो शासन में बैठे हुए वही पुराने लोग उत्तम से उत्तम काम करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने कहा, कठोर फैसले से नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन देश हित में कदम उठाना जरूरी। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। बजट से पहले पीएम का बड़ा बयान, कहा देश को आर्थिक बीमारी से निकालना है। आने वाले एक दो साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक लगता है। मोदी ने कहा, देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए कड़वे फैसले लेने होंगे, देश का स्वास्थ्य सुधारना जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, जाने वाली सरकार ने देश को खाली भी किया और खोखला भी कर दिया। कि जाने वाले कैसी सरकार छोड़ के गए, कुछ बचा नहीं, सब खाली भी कर दिया है, खोखला भी कर दिया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा, सीमा पर सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। सीमा पार से सीज फायर के उल्लंघन पर बोले जेटली, कहा अगर सीज फायर का हुआ उल्लंघन तो हमारे जवान देंगे भूतोड़ जवाब। अगर वो इस तरह के वायलेशन करते हैं तो हमारी सेना और हमारे जवान उसको रोकने में बहुत सक्षम है। जेटली ने एलओसी पर जाकर हालात का लिया जायजा, उत्तरी कमांड के चीफ ने दी ताजा हालात की जानकारी। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से भी की मुलाकात, घाटी के दो दिन के दौरे पर हैं जेटली। लालू के साथ पुरानी दुश्मनी भुलाने को तैयार नीतीश, बीजेपी के गेम प्लान को विफल बनाने के लिए मांगा साथ। श्री लालू प्रसाद जी से भी हमने बातचीत की है और उनसे भी अपील किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करें ताकि बीजेपी का गेम प्लान विफल हो सके। नीतीश का आरोप, बीजेपी बिहार में जीतन मांझी सरकार को गिराने के लिए रच रही है साजिश। एलजेपी मुखिया और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, लालू और नीतीश के बीच 36 का आंकड़ा अगर साथ आए तो उल्टे हमें फायदा होगा। रेफर बाबूलाल गौर के बयान से नाराज कांग्रेस का भोपाल में उनके घर प्रदर्शन, कांग्रेस ने बयान पर जताई आपत्ति। सरकार ने एक और बार साबित कर दिया कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, यह महिलाओं का के लिए वो कितने संवेदनशील हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की हालत स्थिर, दिल्ली में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त हुए थे जख्मी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एम्स में चल रहा है इलाज, अभी दो दिन की डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे रावत। देहरादून से दिल्ली आते वक्त हुआ था हादसा, मौसम खराब होने की वजह से करनी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली में बिजली संकट के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी भी सड़कों पर, कांग्रेस नेताओं के साथ किया प्रदर्शन।
दूसरों पर दोष नीचे हो के नीचे हो के खाली दोष ना करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप सब मिलकर अब हमारे साथ आवाज उठाएं। हेलो आप सब अपना सारा प्रॉब्लम जो है उसके विरोध में हम भी कर रहे हैं, आप हमारा साथ दें। गांधीनगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा, दिल्ली की हालात कोलकाता से भी बदतर। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने कहा, दिल्ली की नागरिक होने के कारण राष्ट्रपति की बेटी भी चिंतित, आगे भी प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा। लेकिन दिल्ली की हालत कलकत्ता से, बिहार उत्तर प्रदेश से बुरी हो गई है और शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने कहा है यदि दिल्ली की हालत ठीक नहीं हुई तो वो लगातार कांग्रेस के आंदोलन में भाग लेंगी और वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित है और उनकी दिल्ली वासियों के साथ पूरी उनकी वो है। केदारनाथ तबाही की पहली बरसी पर कैबिनेट मंत्री उमा भारती का तंज, समय रहते केदारनाथ खाली कराया होता तो नहीं जाती एक भी जान। दुर्भाग्यपूर्ण है वहाँ जो डिजास्टर हुआ वो पूरी तरह से वहाँ की सरकार की गलती से हुआ, क्योंकि पानी जब बढ़ने लगा तो केदारनाथ को खाली नहीं करवाया गया, एक भी व्यक्ति की मृत्यु न होती, धन हानि नहीं रोकी जा सकती थी लेकिन जन हानि रोकी जा सकती। उत्तराखंड में एक साल बाद भी तबाही के निशान बाकी, केदारनाथ के रास्ते में जंगल चट्टी के पास मिले 15 शव। जंगल चट्टी पहुंची टीम, यहां मिले कंकालों को ले रही है डीएनए सैंपल, जंगल में ही किया जा रहा है उनका अंतिम संस्कार। उत्तराखंड सरकार ने मरने वालों और लापता लोगों की संख्या 3962 बताई, लेकिन रास्तों पर मानव कंकाल के मिलने का सिलसिला जारी। वाराणसी में विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद, मारुति 800 कार में 3 बैग में मिला अमोनियम नाइट्रेट। टाफी बाईपास के पास कार में मिला विस्फोटक, कार में सवार थे 2 लोग, दोनों मौके से फरार। इलाहाबाद से बिहार जा रही थी कार, पुलिस को हर बैग में मिला 50 किलो विस्फोटक। चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुआ विस्फोटक, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। वाराणसी में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हड़कंप, पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी। मोदी सरकार के मंत्री निहाल चंद पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित की अपील, सीबीआई जांच की मांग। पीड़ित के मुताबिक उसके पति ने बंद कर दिया था कमरे में, उसके घर 2 बार आए थे निहाल चंद। यूपी की श्यामली में दलित महिला के साथ रेप, आरोपी नौजवान की पुलिस कर रही है तलाश। पीड़ित के मुताबिक घटना के बाद आरोपी ने दी थी धमकी, अगर किसी को बताया तो परिवार की भी कर देगा हत्या। मुंबई पुलिस ने शुरू की प्रीति जिंटा की शिकायत पर जांच, बीसीसीआई ने पुलिस को सौंपा 30 मई के मैच के दौरान का 4 घंटे का फुटेज। प्रीति जिंटा से बदसलूकी मामले में महाराष्ट्र महिला आयोग सख्त, 24 घंटे के भीतर निस्वार्थी को गिरफ्तार करने की मांग। प्रीति जिंटा ने 12 जून की रात अपने करीबी दोस्त निस्वार्थी के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर, मारपीट और गाली गलौज के साथ छेड़छाड़ का आरोप। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है एफआईआर, पुलिस ने 3 धाराओं के तहत दर्ज किया है मामला। प्रीति जिंटा का आरोप, नेस ने सबके सामने मेरी बाह पकड़ी, मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। प्रीति जिंटा ने कहा, यह मेरे लिए मुश्किल समय, मैं अपनी सुरक्षा चाहती हूं। पुलिस आईपीएल के एससीओ सुंदर रमन से कर सकती है पूछताछ, प्रीति ने अपनी शिकायत में कहा था सुंदर रमन घटना के गवाह। प्रीति ने अपनी शिकायत में कहा था घटना के समय सुंदर रमन थे मौजूद, उन्होंने ही किया था बीच बचाव। किंग्स इलेवन पंजाब के सभी खिलाड़ियों से भी हो सकती है पूछताछ, स्टाफ से भी होगी पूछताछ। वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे पवेलियन में मैच देख रहे दर्शकों से भी पुलिस कर सकती है पूछताछ, प्रतिकारूप सबके सामने हुई थी बदसरों की। मध्य प्रदेश के देवास में नकाबपोश गुंडों की मनमानी, टोल नाके पर हमला। करीब 7-8 बदमाशों ने लाठियों के साथ हमला बोला, टोल कर्मचारी की डंडे से पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई उड़दंग की तस्वीरें, 15 पहले टैक्स मांगने पर भड़का था इनका गुस्सा।
अमेठी में इलाके के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के बेटे और उसके ड्राइवर की हत्या, अंधाधुंध फायरिंग में एक घायल। पुरानी रंजिश के चलते प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी सहित तीन लोगों पर केस, इलाके में तनाव। दिल्ली के शास्त्री भवन में छठी मंजिल पर आग, एक घंटे में पाया गया काबू। शनिवार शाम पेंट्री में लगी थी आग, किसी को कोई नुकसान नहीं। दिल्ली के विकासपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने बाइक और स्कूटी को मारी टक्कर, तीन लोग बुरी तरह घायल। जल बोर्ड के टैंकर पर रेड लाइट तोड़ने का आरोप, मौके से फरार हुआ टैंकर का ड्राइवर। तो लाइट जंप करने के बाद इधर से जो गाड़ी जा रही थी, मोटरसाइकिल जा रही थी, तो उसने क्या करा, उन्हें ब्रेक नहीं मारे, उनके ऊपर सीधी चढ़ा दी। दिल्ली में तेज रफ्तार डीटीसी बस का कहर, होंडा सिटी कार को मारी टक्कर। 100 मीटर तक घिसटती गई कार, हादसे में तीन लोग बुरी तरह से जख्मी। लोगों के मुताबिक बस ने तोड़ी थी रेड लाइट, ड्राइवर मौके से फरार, बस में की तोड़फोड़। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में आग, 10 बोगियों में फैली आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, बोगियों में भरा था कोयला। कोलकाता में प्राइमरी टीचरों का प्रदर्शन, नौकरी पक्की करने की मांग। डोडा में मकान ढहने से मां और 2 साल के बेटे की मौत, हादसे में 5 साल की बेटी जख्मी। लोगों के मुताबिक भूकंप के झटकों की वजह से गिर गया मिट्टी का मकान, थपनील में एक स्कूल के गिरने की खबर। गढ़चिरौली के एटापल्ली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, एक की मौत, लेकिन अब तक पहचान नहीं। पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान एटापल्ली के कसनसुर के जंगल में दिखा नक्सली कैंप, मुठभेड़ के बाद बाकी नक्सली जंगल में जा छिपे। यूपी के गोंडा में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। फैजाबाद बहराइच रोड पर ट्रकों की टक्कर, दमकल विभाग के आने से पहले ट्रक जलकर खाक। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे, घायलों में 3 बच्चे और 1 महिला भी शामिल। विजयनगर में एक झुग्गी पर गिरा था हाईटेंशन तार, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जी में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्रों ने किया सड़क जाम, उग्र प्रदर्शन के लिए धमकी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में रैंप पर चले कैदी, मशहूर डिजाइनर रीना ढागा के निर्देशन में फैशन शो। समारोह में वसंत वैली स्कूल की चेयरपर्सन रेखा पुरी भी मौजूद, कैदियों का बढ़ाया हौसला। रीना ढागा के साथ मिलकर कैदियों ने खुद तैयार किए कपड़े, रैंप पर दिखाया जलवा। फैशन शो के दौरान कैदियों में दिखा जबरदस्त उत्साह, महिला कैदी भी रैंप पर उतरे। तिहाड़ के रॉक बैंड ने भी अपनी तरफ लोगों का खींचा ध्यान, कलाकारों ने बांधा समा। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप डी के मैच में उरुग्वे ने कोस्टरिका को 3-1 से हराया, कमानी दुआर्ते और यूरेना ने मारा 1-1 गोल। ग्रुप सी के मैच में कोलंबिया ने ग्रीस को 3-0 से किया क्लीन स्वीप, वर्ल्ड कप में 16 साल बाद खेल रहे कोलंबिया ने अंतिम पलों में दागा 3रा गोल। ग्रुप डी के दूसरे मैच में इटली ने इंग्लैंड को 2-1 से दी बात, पहले हाफ में दोनों टीमें बराबर। पहले गोल के तुरंत बाद इंग्लैंड ने गोल मारकर की बराबरी, सेकेंड हाफ में बालोटेली ने हेड मारकर इटली के लिए किया निर्णायक गोल। फीफा वर्ल्ड कप में आज होंगे 3 मुकाबले, स्विट्जरलैंड बनाम इक्वाडोर, फ्रांस बनाम होंडुरास और अर्जेंटीना से भिड़ेगा बोस्निया। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पासिंग आउट परेड, मुख्य अतिथि थे नेपाल आर्मी चीफ जनरल गौरव शमशेर जेबी राणा। नए बैच में करीब 700 कैडेट कामयाब, इनमें से 64 दूसरे देशों से।
अफगानिस्तान के हेरात में तालिबानियों को आतंक, 11 वोट देने वालों की काटी उंगली। इटली के कोस्ट गार्ड ने सीरिया के 281 विस्थापितों का किया रेस्क्यू, इनमें 93 बच्चे और 6 महिलाएं। 20 मीटर लंबे लकड़ी के टुकड़े पर जा रहे थे विस्थापित लोग, कई बच्चों की सेहत बिगड़ी।